ओवैसी जी पे एक भी केस क्यों नहीं, ओवैसी जी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई, ओवैसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओवैसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं, सीधी बात। आसाम में चुनाव होता है, एमआईएम आती है, बीजेपी से कैंडिडेट की लिस्ट लेती है और जो बीजेपी कहती है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एमआईएम खड़ा कर देती है। जहां भी ये कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने का काम कर सकते हैं और बीजेपी की मदद करने का काम कर सकते हैं, ये हाजिर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहां पे सामने, ऐसे सलूट करते हैं, कहते हैं मोदी जी हमें बताइए कौन से कैंडिडेट देने, हम देते हैं, आपकी मदद करते हैं। यहाँ पे डीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक तीनों मिलकर काम करते हैं। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. सालों से मेरा परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मैं और प्रियंका। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 24 केस, ओएसीजे के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं। मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है। ओएसीजे के पीछे कौन सी एजेंसी है? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। खुला रास्ता दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। तो सवाल उठता है कि ओवैसी जी पे एक भी केस क्यों नहीं, ओवैसी जी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई, ओवैसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओवैसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं, सीधी सी बात। मैं आपको बताता हूं, आसाम में चुनाव होता है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, वहां पे एमआईएम का कोई वोट नहीं है, एकदम एमआईएम आती है, बीजेपी से कैंडिडेट की लिस्ट लेती है और कहती है भैया हमें बताओ आपके लिए कौन से कैंडिडेट हम खड़ा करें, और जो बीजेपी कहती है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एमआईएम आसाम में खड़ा कर देती है। महाराष्ट्र में, असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, जहां भी ये कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने का काम कर सकते हैं और बीजेपी की मदद करने का काम कर सकते हैं, ये हाजिर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहां पे सामने, ऐसे सलूट करते हैं, कहते हैं मोदी जी हमें बताइए कौन से कैंडिडेट देने, हम देते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो ये लड़ाई हो रही है। देखिए, मेरे दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा, उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। भाइयों और बहनों, ये एक ही टीम है, ये दो तीन टीम नहीं है। यहां पे डीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बता दो, आपके चीफ मिनिस्टर पे कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं, सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर का घर छीना इन्होंने नरेंद्र मोदी ने, उनकी सदस्यता रद्द की, चीफ मिनिस्ट्री से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जाओ, 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं, जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिकरण बिल में मदद की, ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद, तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है, ये दो लक्ष्य है। अब तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर ने दोराला सरकार चला रखी है, हम प्रजाला सरकार चाहते हैं। दोराला सरकार मतलब चुने हुए लोगों को पूरा का पूरा फायदा देना। किसी भी सरकार में दो तीन जगह से पैसा बनता है,
दो तीन जगह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, शराब, जमीन और रेत। तीनों मिनिस्ट्रियां केसीआर ने अपने रिश्तेदारों को दे रखी है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट होता है, 1,00,000 करोड़ रुपया तेलंगाना की जनता का चोरी हो जाता है। प्रोजेक्ट को बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं पैसा। मैंने अपनी आंखों से जाकर प्रोजेक्ट देखा, खंभों पे बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं, पूरा का पूरा बराज धस गया है। इरिगेशन मिनिस्टर कौन? आपके चीफ मिनिस्टर। पैसा किसके जेब में गया? उनके जेब में गया। एक ही काम करते हैं, तेलंगाना की जनता से पैसा लूटते हैं। धारिणी पोर्टल कहते हैं कि कंप्यूटराइजेशन लाएंगे, उसके बहाने करोड़ों लोगों से जमीन छीन ली, 20,00,000 लोगों से सीधा उन्होंने जमीन छीन ली। कंप्यूटराइजेशन किया, जो जमीन उनको अच्छी लगी ले गए, अपने मित्रों को अपने रिश्तेदारों को दे दी। यह है इनकी सरकार। हमसे पूछते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? केसीआर जी, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े, जिस कॉलेज में आप पढ़े, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। जिन सड़कों पे आप चलते हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मेट्रो पे तो आप जाते नहीं हो, आप सिर्फ हवाई जहाज पे उड़ते हो, ऑटो में मेट्रो में जाते नहीं हो। जिस मेट्रो हैदराबाद में मेट्रो किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई, हमने बनाई। जिस एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज से विदेश जाते हो, वो एयरपोर्ट आपने नहीं बनाया केसीआर जी, वो एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और जिस हैदराबाद से आप करोड़ों रुपए चोरी करते हो, उस हैदराबाद को इंटरनेशनल सिटी, दुनिया का सबसे मशहूर आईटी सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया केसीआर जी। बात समझिए आप। अब आपका टाइम खत्म हो गया यहां पे, अब बाय बाय केसीआर का टाइम आ गया है। कुछ ही दिन में केसीआर जी की यहां पे बाय बाय हो जाएगी। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga.